पूरे घर में कितनी नेगेटिविटी, कितने टॉक्सिन्स। नमस्ते, हरिओम। मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। हमने कई बार डिटॉक्स की बात करी। हमने बात करी कि कैसे आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं, कैसे आप अपने मन को डिटॉक्स कर सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस इस पर आपके साथ शेयर किए, हाउ टू डिटॉक्स योर बॉडी, हाउ टू डिटॉक्स योर माइंड। 3 दिन का डिटॉक्स व्लॉग भी किया जो आप सबको बहुत पसंद आया। पर आज हम एक ऐसे डिटॉक्स की बात कर रहे हैं जिस स्थान में आप 24 घंटा रहते हैं, 24 घंटा नहीं तो मैक्सिमम अपने जीवन का समय उसमें बिताते हैं, वो है आपका घर। और अगर आपका घर टॉक्सिक है, अगर आपका घर ही डिटॉक्स नहीं है, तो हम स्वस्थ कभी नहीं रह सकते। इसीलिए योग सिर्फ कसरत नहीं है। जब हम यम और नियम पढ़ते हैं तो उसमें शुचिता का बहुत बड़ा स्थान आता है। जब आप नियम पढ़ते हैं ना योग के, तो पहला ही नियम है शौच, यानी अंतः शुचि बाह्य शुचि। भीतर हम शुचिता रखें, सर्व रोग मलाश्रय, सारे रोगों की जड़ मल है। इस शरीर की शुद्धि करें, मन की शुद्धि करें, विचारों की शुद्धि करें, लेकिन उसके साथ साथ बाह्य शुचि यानी जिस घर में हम रहते हैं, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, जिस स्थान पर हम रहते हैं, उसकी भी शुद्धि होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में टॉक्सिन्स होते हैं, तो जिस तरह से शरीर के टॉक्सिन्स आपको रोगी बनाते हैं, मन के टॉक्सिन्स आपको रोगी बनाते हैं, उसी तरह से इस घर के टॉक्सिन्स भी आपको रोगी बनाते हैं। और आप सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं, जैसे इस शरीर में 100 साल रहते हो, 100 साल रहना चाहिए ना, जीवे शरदः शतम, वो बात अलग है, कोई 40 में जा रहा है, कोई 50 में जा रहा है, लेकिन उसी तरह से आप अपने घर में भी बहुत साल रहते हो। तो जिस तरह से इस घर की सफाई जरूरी है, इस तरह से इस घर की भी सफाई जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें, ऐसे उपाय जो आपके घर के टॉक्सिन्स को दूर करेंगे, उनको समझते हैं। सबसे पहली चीज है वो चीजें जिन्हें आपने लगभग 1 साल से प्रयोग नहीं किया है। सिर्फ कपड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें आपने 1 साल से प्रयोग नहीं किया, बस वो जगह घेर रही हैं, नेगेटिविटी ला रही हैं हमारे घर में, और हमें बहुत सख्त जरूरत है कि उनको अपने घर से हटाएं। सो मेक श्योर दैट यू रिमूव ऑल दोज थिंग्स जो आपने 1 साल से उपयोग नहीं की। जब 1 साल से नहीं की ना, आप आगे भी नहीं करोगे। किसी ऐसे को दे दो जिसके काम आ जाए। आप तो जानते हैं, हम शक्ति सेवा संस्कृति फाउंडेशन हमारी, जो कि बच्चों के लिए कपड़े, किताबें, एजुकेशन और बहुत सारे काम करती है। आप भी इस तरह से, जरूरी नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन से तो आप जुड़े ही जुड़े, लेकिन आप भी आपके आसपास अगर कोई जरूरतमंद लगता है उसको दे दीजिए, लेकिन घर में इन चीजों को रख करके टॉक्सिन्स को मत बढ़ाइए। दूसरी चीज है कपड़े। वो कपड़े जो आपने कुछ समय से नहीं पहने, लेट से 6 महीना, या चलो मौसम परिवर्तित होता है तो 1 साल लगा लो, वो कपड़े जो आपको पसंद नहीं है, वो कपड़े जो आपको फिट नहीं आते, और आप सोच रहे हो कभी तो मैं 10 किलो वजन कम करके इन कपड़ों में फिट होऊंगा, कोई बात नहीं, तब तक नए आ जाएंगे, आप नए ले लेना। वो किसी ऐसे को दे दो जिसके जरूरत, जो जरूरतमंद हो, जिसके काम आ सके, या फिर ऐसे कपड़े जो टियर आउट हो चुके हैं, जो फट चुके हैं या पुराने हो चुके हैं बहुत, बस आप उनको रख करके बैठे हो। अरे, मुक्ति के मार्ग पर चलना है, कपड़ों से ही बंधे हुए हो, घर से ही बंधे हुए हो, चीजों से ही बंधे हुए हो, तो जीवन से कैसे मुक्त होगे भाई। तो बहुत जरूरी है कि वो कपड़े जिनको आपने बहुत समय से प्रयोग नहीं किया, आपको पसंद नहीं है, आपको फिट नहीं आते, उन टॉक्सिन्स को हटाइए, और वो भी एक तरह की टॉक्सिन ही है। तीसरी चीज है ओल्ड कार्ड्स, रिसिप्ट्स। अरे, जब आप अपनी वर्क टेबल पर जाएंगे या अपने घर के किसी कोने में जाएंगे, किसी ड्रॉअर को खोलेंगे, आपको इतने ओल्ड कार्ड्स, रिसिप्ट्स, विजिटिंग कार्ड्स जो पता नहीं कब से पड़े हुए हैं, कभी कोई चीज़ कहीं खरीदी थी उसकी भी रिसिप्ट्स रखी हुई हैं। ये चीज़ें घर में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता को बढ़ाती हैं, सिर्फ टॉक्सिन्स को बढ़ाती हैं, नेगेटिविटी को बढ़ाती हैं। इनको तुरंत हटाइए और उस ड्रॉअर को साफ कीजिए। चौथी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वो है ब्रोकन थिंग्स। अरे, दिल में भी टूटे हुए दिल की यादें लेकर के घूमते हो, घर में भी टूटी हुई चीजें रखते हो, दोनों को हटा दो। जिस चीज ने आपको तोड़ा है या जो चीज खुद टूटी हुई है, उसे क्यों घर में रखना। और इसीलिए आपकी संस्कृति में तो अगर भगवान की मूर्ति भी खंडित हो जाती है, उसको भी प्रवाहित करने का प्रावधान है, उसको भी नहीं रखना घर में। तो कोई भी चीज जो टूटी हुई है घर के अंदर, उसको बिल्कुल ना रखें, क्योंकि वैसे भी वो बहुत नेगेटिव है, वो उससे आपको चोट लग सकती है, आपके बच्चे को चोट लग सकती है। इन चीजों को हमें अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ओल्ड या सिक प्लांट्स, ऐसे पौधे जो बहुत पुराने हो गए हैं, बीमार हैं, जो जो डेड प्लांट्स हैं, सिर्फ उसमें ऐसे ही रह गया डंठल सा, बस आपने जबरदस्ती रखा हुआ है उनको, उनसे हम भी हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। तो जो सिक प्लांट्स हैं, इसलिए तो पत्ते भी जो पुराने हो जाते हैं उनको हम
कट करते हैं, बट हमने प्लांट्स तो रख लिए घर में, ग्रीन एरिया तो बना दिया, लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर रहे हम, उसमें जो पुरानी पत्तियां उनको हटा नहीं रहे, उनकी सफाई नहीं कर रहे, प्लांट्स को धो नहीं रहे, ये भी हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी लाता है, हमारे जीवन में टॉक्सिन्स को लेकर क्या आता है, उसे ज़रूर रिमूव कीजिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ओल्ड मैगजीन्स, मतलब इतनी पुरानी पुरानी मैगजीन्स पड़ी हैं, ओल्ड नोट्स पड़े हुए हैं, बस वो रखे हुए हैं एक बल्क का बल्क हमने कहीं 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 पर, जिसको रद्दी कहते हैं आम भाषा में, पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता होगा, उनको ज़रूर हटाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्लीन देम अप, क्योंकि उनको कोई पढ़ नहीं रहा है, वो पढ़ने लायक भी नहीं बची हैं, बस आपने उनको ढेर बना करके रखा हुआ है, जस्ट क्लीन देम अप। सातवीं चीज़ है डैमेज्ड शूज़, ये तो भाई बहुत लोगों के घर में होता है, जूता टूट गया, जूते महंगे इतने आते हैं गुरु माँ, कैसे उसको फेंक दें, डैमेज हो गया, छोटा हो गया, ख़राब हो गया, हमने बस शू रैक में भर भर के रखा हुआ है, चार चार शू रैक होते हैं लोगों के घर में, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, बहुत नेगेटिविटी इससे घर में आती है। तो मेक श्योर कि आपके जो डैमेज शूज़ हैं या जो शूज़ आपको आ नहीं रहे हैं, वो आप तुरंत घर से बाहर कीजिए, किसी ऐसे को दीजिए जिसे उसकी ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे उठा करके फेंक दीजिए इन चीज़ों को, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इनकी ज़रूरत होती है, आप उनको दीजिए। अंतिम चीज़ जिनके भी घर में बच्चे हैं उनके यहाँ ज़रूर होता है, ओल्ड टॉयज़। अरे जब ये मेरा 2 साल का था तब का है, अभी वो 12 का हो गया फिर भी मैंने उसे रखा हुआ है, ये जब वो 4 साल का था तब का था, अभी वो 40 का हो गया, नहीं 40 थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब वो 14 का हो गया है, 16 का हो गया, आपको ज़रूरत नहीं है उन टॉयज़ की, बच्चे बड़े हो चुके हैं, उन ओल्ड टॉयज़ को क्यों आप स्पेस फिलअप कर रहे हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जिस तरह से हम चाहते हैं ना हमारा शरीर खुला हो और खाली हो, इसको ओवर स्टफ जब आप कर देते हैं बीमारियां होती हैं, ऐसा आपका घर भी जब ओवर स्टफ हो जाता है तो वो भी रोग लेकर के आता है, क्योंकि घर की क्लीनिंग नहीं होती, घर में बहुत टॉक्सिसिटी हो जाती है, बहुत नेगेटिविटी हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये सब मिथ चीज़ें हैं, हमने आपसे कहा ना योग करके तो नियम, यम और नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो जो दूसरा नियम ही है उसका भी पहला जो है वो है शौच। तो मेक श्योर कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं हो रही हैं, और ये जो हमने 8 तरह की चीज़ें आपको बताई, इनको आप तुरंत अपने घर से निकालिए, आप देखेंगे कि आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आएगी। सुबह शाम मंत्र जाप कीजिए घर में, कम से कम हवन नहीं कर सकते तो दिया बत्ती कीजिए सुबह शाम, परमात्मा का नाम लीजिए, घर को खाली रखिए, साफ रखिए, योग साधना कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं, इस बार जो हमारा भारत योग रिट्रीट मुक्तेश्वर में हो रहा है, आप सबको पता है आप हिमालय पर आते भी हैं, आप में से बहुत सारे लोग आ चुके हैं, उसमें हम एक कोर्स कर रहे हैं 3 दिन का ध्यानम, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल मेडिटेशन रिट्रीट हिमालय की वादियों में, यहाँ पर हम साथ में रहेंगे, सात्विक आहार लेंगे, सात्विक जीवन शैली होगी हमारी, बात करेंगे सब एक दूसरे से जितने लोग आते हैं, एंड देर आर सो मेनी अदर एक्टिविटीज़ वी डू टुगेदर। तो आप भी आइए मुक्तेश्वर में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ये हो रहा है, यहाँ जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आइए हिमालय की वादियों में ध्यान के माध्यम से बाहरी दुनिया से खुद को समेट कर अपने भीतर के साथ थोड़ा सा जुड़ेंगे। आज का एपिसोड यहीं पर पूर्ण करते हैं, आप सब खुश रहें, आनंदित रहें। हमारे सभी वीडियोस को अंग्रेजी में देखने के लिए आप भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे सारे डिस्कोर्सेस को सुनने के लिए भारत योगा डिस्कोर्सेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पर अलग अलग हमारे कोर्सेज भी, फ्री कोर्सेज भारत योगा डिस्कोर्सेस चैनल पर चलते रहते हैं, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो नंबर यहाँ दिया जा रहा है उसका एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप कोई भी जो भी नया कुछ होता है वो मिस ना करें। आज के एपिसोड में इतना ही, आप सब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, खुश रहें, आनंदित रहें, और इसी तरह से इन वीडियोस को अपने प्रियजनों के साथ साझा करते रहें, क्योंकि आपका तो सिर्फ एक शेयर होता है लेकिन किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो आप सब इसी तरह से चैनल को देखते रहें, दूसरों को भी भेजते रहें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, उनका भी जीवन बेटर हो, और भारत योग का जो मिशन है टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, वो हम सब मिलकर बना सकें। खुश रहें, आनंदित रहें, हरिओम।